तो दोस्तों मैं हूँ आपका ओवरऑल एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो यामा R3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यार, ये बाइक लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी है, तो देखते हैं अभी इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है। इस बाइक की इसलिए वीडियो बन रही है क्योंकि R15 और इसका लुक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बहुत सारे लोग होते हैं R15 को इसकी तरह बनाते हैं। इसकी भी एक बहुत जल्दी वीडियो आएगी, लेकिन यार मैं इसे बता सकता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाऊँगा, तो वो चीज़ छोड़ो, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखो यार, R3 के अंदर हमें क्या क्या नई नई चीज़ें मिलने वाली। सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी वो आपको इसके अंदर जो BHP मिलने वाली है, वो आपको इसमें 40 BHP की पावर मिलने वाली है @10,500 RPM पर। मैक्सिमम जो आपको टॉर्क मिलेगा वो आपको इसके अंदर जो टॉर्क मिलने वाला है वो ये टॉर्क मिलने वाला है। इसके अंदर आपको 29 Nm का टॉर्क मिलेगा। सारे जानते हैं 6 गियर की बाइक है। इंजन पे अब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, BS6 इंजन मिल जाएगा, कैटलिटिक कन्वर्टर मिल जाएगा, जो कि इंजन अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। रियल माइलेज टाइम मिल जाएगा, डिस्टेंस 2 MPT मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसका इंजन जो है वो और भी ज़्यादा रिफाइन होने वाला है, क्योंकि अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर अब आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको कैनेटिक कन्वर्टर और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और बेस इसमें काफ़ी प्यारा आने वाला है जो कि हमेशा से आता है, अब और भी ज़्यादा आएगा। अगली जो अपडेट इसके अंदर है ये इसके अंदर है कि इसका जो लुक है वो टोटली इसका लुक चेंज कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। मुझे तो सही लगता है 3.5-4 लाख रुपये की बाइक में काफ़ी बढ़िया लुक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बाइक के अंदर लुक टोटली चेंज हो जाएगा। इसके अंदर कलर्स भी कुछ आपको नए ऑप्शन मिल जाएंगे इसके अंदर, जो हमें R15 के अंदर कलर्स मिलते हैं वही कलर्स अब इसके अंदर भी मिलने वाले हैं। LED इसकी जो सबसे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही थी, और ज़्यादा मैंने रिव्यू भी देखे तो यार उसमें भी ये बता रहे थे कि इसके अंदर जो नाइट फ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, जो कि अब सही रहने वाला, ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला। LED इसमें और भी ज़्यादा अच्छी लगा दी गई है, और कोई कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। टायर वायर भी सेम रहने वाले, कॉर्नरिंग में टायर्स इसके अंदर भी मिशेल कंपनी है कोई, उसके में मिल सकते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी है, नहीं स्पोर्ट्स बाइक्स में इसका यूज़ होता है, मिशेल कंपनी है उसका यूज़ होता है। तो इसके टायर अब आपको मिलेंगे जो कि कॉर्नरिंग में और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली, वैसी रहती है और भी ज़्यादा हो जाएगी। प्राइस देखा जाए तो उसका कितना बढ़ सकता है, तो 30,000 रुपये तक का इसका प्राइस बढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ना वो लिंक हमारे दिमाग खराब होगी, उससे दिमाग नहीं खराब होते। और मेरे कॉल चल रहा है राहुल वॉक स्टैंड करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करो। तो ओके बाय।